अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो बेटा जी, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 11 को वाइंड अप किया था और आज हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करना है। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 12 एज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें एटलीस्ट 4 to 5 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं आपके और एक लॉन्ग का पार्ट इसमें से लाजमी लिया जाता है। सो ऑब्वियसली आपने गैस कर लिया होगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है दैट इज़ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए स्टूडेंट्स, आपने ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस किया, हमने चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 बड़ी डिटेल में देखा जी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, कॉट क्या होता है, हमने क्वाड्रेंट्स के कॉन्सेप्ट्स देखे, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब हमें देखना है कि हमने जो फार्मूलाज पढ़े थे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे या उनकी जो वैल्यूज़ थी, वो जो कुछ भी है वो अप्लाई कहाँ पर होता है हमारे लिए और डेली लाइफ में वो कहाँ पर काम आएगा। सो वो सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। सो दैट्स वाई स्टूडेंट्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा जी, सबसे पहले आपके पास एक डेफिनेशन है, हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, एंड दैट इज सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल। सर, हमने ट्रायंगल की डेफिनेशन पढ़ी थी, ट्रायंगल क्या होती है अगर हम सिर्फ ट्रायंगल को डिस्कस करें तो। ट्रायंगल क्या स्टूडेंट्स, हम सिंपली इसको डिफाइन करते हैं, 3-sided फिगर। ट्रायंगल क्या बेटा जी? सर, ट्रायंगल इज एनी 3-sided फिगर। ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं, उस बेसिस पर हमने उसको डिफरेंट टाइप्स में कन्वर्ट किया विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। उसके डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे आपने ऑब्ट्यूज पढ़ा, आपने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ी, आपने एक्यूट एंगल ट्रायंगल पढ़ी, विद रिस्पेक्ट टू साइड्स भी आपने उसको डिफरेंशिएट किया, उसकी भी 3 टाइप्स आपने पढ़ी, ठीक है। बट स्टूडेंट्स, कोई भी ट्रायंगल है, किसी भी टाइप की ट्रायंगल है, उसमें 6 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। बट ये कितने कंपोनेंट्स हैं? एवरी ट्रायंगल हैव 6 कंपोनेंट्स। अब सर, उन 6 कंपोनेंट्स को हम 2 में डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट वन इज 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। सो बेटा जी, एवरी ट्रायंगल हैज 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। स्टूडेंट्स, कोई भी ट्रायंगल ले लें, किसी भी टाइप की ट्रायंगल हो, उसमें 3 साइड्स हैं और 3 ही उसके एंगल्स हैं। नाउ डिफाइन करने लगा हूं, टू फाइंड ऑल द 6 कंपोनेंट्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। स्टूडेंट्स, इन 6 के 6 कंपोनेंट्स को फाइंड करना हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि हमने ट्राइंगल को सॉल्व कर लिया। सो स्टूडेंट्स, अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज द वैल्यू, यानी एक्सरसाइज 12.1। 12.1 बड़ी बेसिक सी एक्सरसाइज है, आपने जस्ट वैल्यूज फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आपने पढ़ी, फिर आपने एंगल फाइंड करना है कुछ पार्ट्स में। लाइक अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो स्टूडेंट्स 1 में वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपने वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? सर, साइन 53 डिग्री 40 मिनट्स। सर, साइन 53 डिग्री 40 मिनट्स की वैल्यू तो हम याद नहीं कर सकेंगे, तो स्टूडेंट्स हमें कैलकुलेटर हेल्प करेगा। तो देखिएगा बेटा जी, हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ये जस्ट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऑब्वियसली क्योंकि फर्दर जो आपके एक्सरसाइजेज हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा कॉन्सेप्ट। सो स्टूडेंट्स, हम ये वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? हमने सिस्टम्स पढ़े हुए हैं, डिग्री, मिनट, सेकेंड, रेडियन जो हमारा सिस्टम था, सर्कुलर मैयर का जो सिस्टम था, चैप्टर 9 में हमने ये बड़े डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं कि एक हमारे पास रेडियन मैयर आता है और एक हमारे पास डेसिमल मैयर आता है। सो स्टूडेंट्स, उसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। यहाँ पर हमारे पास जो भी एंगल्स हैं वो किस में है स्टूडेंट्स? वो डिग्री में है, मिनट्स में और सेकेंड्स में। तो बेटा जी, आपके पास जो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हैं आपके, उसमें ये फैसिलिटी है कि आप वो वैल्यूज डायरेक्टली फाइंड कर सकें। लाइक अगर आप फर्स्ट पार्ट देखें, सो साइन 53 डिग्री 40 मिनट्स, तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? आप साइन प्रेस करेंगे, 53 प्रेस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आप अपने बटन्स में देखें तो आपके पास एक बटन प्रोवाइड किया गया जिस पर आपकी डिग्री और मिनट्स ऑलरेडी लेबल्ड हैं, और वो अगर आप देखें तो थर्ड लाइन लेफ्ट साइड से सेकेंड बटन आपका। फर्स्ट टाइम प्रेस करेंगे तो उसका मतलब होगा डिग्री, तो स्टूडेंट्स मैंने प्रेस कर दिया नाउ 40। सेकेंड टाइम प्रेस करेंगे तो बेटा जी उसका मतलब क्या होगा कि वो मिनट्स है। उसके बाद आप इक्वल्स टू प्रेस कर दें तो स्टूडेंट्स जो आंसर आएगा दैट इज द वैल्यू ऑफ यूअर गिवन एंगल। सो स्टूडेंट्स, दैट वैल्यू इज 0.8055। सो दिस इज इट बेटा जी, ये आपका सिंपल सा सोल्यूशन है, ये जस्ट एमसीक्यू बेस्ड है। इस तरह से स्टूडेंट सेकंड देखें, कॉस 36 डिग्री 20 मिनट्स, तो उसी तरह से आप क्या करेंगे? कॉस 36 डिग्री एंड 20 मिनट्स, सो आंसर विल बी 0.8055। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर भी वही आया जो हमारे फर्स्ट पार्ट का था। नाउ वी विल मूव आवर पार्ट नंबर 6। सो स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 6 में है 10 25 डिग्री 34 मिनट्स। सो बेटे जब इसका आप आंसर फाइन करेंगे तो स्टूडेंट्स आंसर विल बी 0.47
84। सुषमा साहब ने क्या करना, आपने डेसिमल के बाद एटलीस्ट 4 प्लेसेस तक अपना आंसर लाजमी लिखना। अब बेटा जी इसका हम लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 9, दैट इज कॉट 89°9". सर कॉट का तो हमारे पास कैलकुलेटर पे बटन ही नहीं होता, तो ये हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ा हुआ है कोट किसका रेसिप्रोकल होता है, सर कोट रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट का। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर पे 1 डिवाइडेड बाय कह लें एंड दैट विल बी 10 89°9", क्योंकि स्टूडेंट्स 1 ओवर कॉट क्या होता है, बेसिकली 10 होता है। तो सेम इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो 10 में शिफ्ट हो जाएगा एंड स्टूडेंट्स दैट वैल्यू विल बी 0.0148। सो दैट्स इट बेटा जी, ऑप्शन के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जस्ट बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। अब हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर ही सॉल्व होगा, बिकॉज अगर आप स्टेटमेंट देखें स्टूडेंट्स, वी हैव टू फाइंड थीटा इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 0.5791। तो स्टूडेंट्स इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा एंड दैट इज, अब क्योंकि आपने एंगल फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो थीटा एज इट इज रहेगा और ये साइन इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी इनवर्स। तो आप क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0.5791। अब स्टूडेंट्स इसको एंगल में फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर पे आप क्या करेंगे, आप शिफ्ट साइन प्रेस करेंगे जिससे वो क्या आ जाएगा, वो साइन इनवर्स आ जाएगा, उसके बाद उसकी वैल्यू 0.5791 एंड इक्वल्स टू। अब बेटा यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप इक्वल्स टू प्रेस करेंगे तो आपको जो आंसर गिवन होगा वो डेसिमल में होगा, लाइक इन दिस केस आंसर जो आपके पास आया दैट इज 35.387। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर 35.387 नहीं लिखना, आपने बेटा जिसको कन्वर्ट करना है डिग्री मिनट्स और सेकेंड्स में विद द हेल्प ऑफ दैट सेम बटन। तो स्टूडेंट्स इसे आप प्रेस कर दें एंड आंसर विल बी, यानी थीटा विल बी 35°23′14″। सो बेटा जी आपने एंगल हमेशा किस में रिप्रेजेंट करना है, डिग्री मिनट्स और सेकेंड्स में। नाउ स्टूडेंट्स अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। कॉस थीटा हमें गिवन है तो ऑब्वियसली बेटा जी थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.5257। सो स्टूडेंट्स सिमिलरली आप क्या करेंगे, आप शिफ्ट कॉस 0.5257 इक्वल्स टू, तो बेटा जी इसको कन्वर्ट कर लें, सो आंसर इज 58°17′04″। ठीक है बेटा जी, नाउ पार्ट नंबर 5। सो स्टूडेंट्स थीटा विल बी 10 inverse 21.943। सो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आप शिफ्ट 10 21.943। सो स्टूडेंट्स आंसर विल बी, यानी वैल्यू ऑफ थीटा विल बी 87°23′26″। सो बेटा जी एक चीज़ का ख्याल लाजमी रखिएगा एंड दैट इज टू कन्वर्ट द एंगल इन डिग्री मिनट्स एंड सेकेंड्स। सो दिस इज एक्सरसाइज 12.1। इसमें से स्टूडेंट्स रफली एक MCQ आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। अब हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 12.2 की तरफ इन आवर नेक्स्ट लेक्चर होपफुली। सो टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।